हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल विल बी गुड। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने बेबी के ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें ऐड करती हूँ उसके ब्रेकफास्ट को हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस बनाने के लिए। यस बेटा, यह इम्पॉर्टेंट है कि आपका बच्चा एवरीडे ब्रेकफास्ट करे, बट उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका बच्चा ब्रेकफास्ट में क्या लेता है। टू बूस्ट न्यूट्रिशन, चूज़ ब्रेकफास्ट फूड्स दैट आर हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। तो चलिए मैं आपको ब्रेकफास्ट की कुछ रेसिपी शेयर करती हूँ, साथ ही ये भी दिखाती हूँ कि मैं उस मिराल के ब्रेकफास्ट को मोर न्यूट्रिशियस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ऐड करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। मैं सूजी का हलवा बनाने जा रही हूँ। ये मैंने 2 स्पून सूजी ले लिया है, ये मिल्क लिया है 1 कप, और ये लिया है गुड़। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से सूजी का हलवा बनाती हूँ अपने बेबी के लिए। ये मैंने पैन रख दिया है गर्म होने को। मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड कर रही हूँ सूजी भुनने के लिए। ये मैंने सूजी डाल दी इसमें, इसको स्लो फ्लेम पे भुनना है सूजी को। मैं यहाँ पे तब तक गुड़ ग्रेट कर ले रही हूँ जल्दी से। ये सूजी भुन गई है मेरी। मैं इसमें ये दूध ऐड कर दे रही हूँ और ये ग्रेटेड गुड़। मैं शुगर ऐड नहीं करती, शुगर बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ये देख सकते हैं आप, ये रेडी हो गया हलवा बनके। अब मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ ऐड करूँगी बिफोर सर्विंग। ये मैंने गैस ऑफ कर दिया। ये सबसे पहले मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स पाउडर ऐड करूँगी। उसके बाद मैं ये फ्लैक्सीड ऑयल यूज़ करती हूँ। इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड है जो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इसलिए मैं इसके ब्रेकफास्ट में ये भी ऐड करती हूँ। ये 0.5 ml ऐड करना होता है, ये आपको ऑनलाइन ईज़िली मिल जाएगा। इसको अलसी का तेल कहते हैं। ये ऐड कर दिया मैंने अलसी का तेल। ये जो आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है, ये मिराल की है, ये मिराल की हरकतें हैं। अब मैंने ये अखरोट लिया है, इसको भी मैं ग्रेट करके डाल दूँगी। ये ड्राई फ्रूट्स पाउडर में मेरे सिर्फ काजू बादाम और मखाना है, अखरोट मैं अलग से ही ग्रेट करके डालती हूँ। ये मैंने अखरोट ग्रेट कर लिया, अब मैं इसमें डाल देती हूँ। क्या हुआ बेटा, व्हाई आर यू क्राइंग? अब ये हो गया मिराल का हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट रेडी। अब मैं इसको फीड कराऊंगी, भूखी है वो इसलिए रो रही है। चलो चलो मैं खिलाती हूँ अब। ये मैं रागी का हलवा बनाने जा रही हूँ। ये मैंने 1 स्पून रागी लिया है और ये 1 कप ऑफ मिल्क। मैं इसको ऐड कर दूँगी इसमें एट फर्स्ट और फिर इसको मिला लेंगे अच्छे से। इसमें एक भी लम्स नहीं होने चाहिए, इनको अच्छे से मिक्स करना है, दूध को और रागी को। ओके, अभी अच्छे से मिक्स हो गया, इसमें एक भी लम्स नहीं है। मैं इसको इस पैन में डाल दूंगी। इसको चलाते रहना है, साथ ही मैं गुड़ ग्रेट कर लेती हूँ
इसमें ऐड करने के लिए। ये मैंने गुड़ ग्रेट कर लिया, अब ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। आप गुड़ की जगह डेट सिरप भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप शुगर ना ऐड करें अपने बेबी के फूड में जितना हो सके। थोड़ा सा हाई करती हूँ मैं 500 पे। ये रागी का हलवा बन के रेडी हो गया, अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने बेबी के एज के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें ऐड कर रही हूँ। ये ग्रेट करके अखरोट रख दिए थे मैंने, अभी वो ऐड कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स पाउडर एज इट इज़, जैसे मैंने पहले वाले ब्रेकफास्ट में ऐड किया था, मैं मिराल के ब्रेकफास्ट में ये सारी चीज़ें ऐड करती हूँ ताकि उसे अच्छी एनर्जी मिल सके दिन भर एक्टिव रहने के लिए। मैंने ड्राई फ्रूट्स पाउडर भी ऐड कर दिया। अब ये फ्लैक्सीड ऑयल, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये 1 स्पून मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। अब ये हो गया मोर न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट रागी का हलवा रेडी। अब फटाफट से मैं मिराल को खिला देती हूँ। अब मैं पैनकेक बनाने जा रही हूँ। ये मैंने उसके लिए आटा ले लिया है, ये 1 कप ऑफ मिल्क और ये एग। अब मैं पहले आटे और दूध को मिक्स कर लेती हूँ। ये मिक्स हो गया प्रॉपर्ली, आप देख सकते हैं इसमें एक भी लम्स नहीं है। अब मैं इसमें ये एग ऐड कर देती हूँ, इसको मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें ये हनी ऐड कर रही हूँ एज अ स्वीटनर। मेरा बेबी 1 ईयर के अबव है तो मैं इसको हनी दे सकती हूँ, इसलिए मैं ये हनी ऐड कर रही हूँ। आप बनाना भी ऐड कर सकते हैं एज अ स्वीटनर, या एनी अदर फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं एज अ स्वीटनर, बट आई विल नॉट रिकमेंड फॉर शुगर। मुझे बेकिंग पाउडर ऐड करना है, ये मेरे पास बेकिंग पाउडर है, इसको मैं 1 पिंच ऐड कर देती हूँ। ये हुए ड्राई फ्रूट्स, ये रहा फ्लैक्सीड ऑयल। मैंने ये अखरोट ग्रेट कर लिया है, इसको भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। इसको प्रॉपरली मिक्स करना है। मुझे थोड़ा थिक लग रहा है, इसमें थोड़ा सा और मिल्क ऐड करती हूँ। ये मखाना है जो पिसा नहीं, ड्राई फ्रूट्स का। ये विस्क हो गया प्रॉपर्ली, मैं इसको बना लेती हूँ। ये यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा दिया है हाई फ्लेम पे। अभी ये पैन गर्म हो गया, अब मैं इसमें घी ऐड कर देती हूँ। इसका फ्लेम स्लो कर देते हैं। ये मैंने फ्लेम स्लो कर दी है इसकी, अब मैं इसमें, यस बेटा, बेटा अब इसको स्लो फ्लेम पे 5 मिनट्स के लिए कवर करना है। अब इसको फ्लिप करना है। ये
थोड़ी देर इस साइड भी पकने दें। ये रेडी हो गया बनके, अब मैं गैस ऑफ करके निकाल लेती हूँ उसको प्लेट में और फिर मिराल को सर्व करती हूँ। देखो अभी गर्म है, गर्म अभी गर्म है। हॉट हॉट अभी हॉट है। ओके फूक करके खाना। ओके ये बिस्मिल्लाह तो कर लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसके लिए छोटे छोटे पीस कर दिए, ये ऐसे खा लेगी। यस गुड बेबी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा 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 अब यम यम हो रहा है। हाँ हाउ इज इट मिराल, यम यम।